प्रकाश मेहरा की आज 13वीं पुण्यतिथि है। प्रकाश मेहरा एक ऐसे डायरेक्टर थे जिन्हें बॉलीवुड का सिनेरियो बदलने के लिए जाना जाता है। उन्हें अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। प्रकाश मेहरा ही वो डायरेक्टर थे जिन्हें अमिताभ बच्चन की लगातार 10 फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्हें फिल्म जंजीर के लीड रोल के लिए चुना था, जिसने अमिताभ को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। तो चलिए आज प्रकाश मेहरा की पुण्यतिथि पर जानते हैं कि उनके फिल्मी करियर से जुड़े किस्से, जो 13 जुलाई 1939 में बिजनौर में जन्मे प्रकाश की पढ़ाई दिल्ली में अपने चाचा चाची के पास हुई थी। उनका रुझान शुरू से ही फिल्मों की ओर था, इसलिए पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने मुंबई का रुख कर लिया और 50 के दशक में प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में काम करने लगे, जिसके बाद उन्होंने फिल्म हसीना मान जाएगी को डायरेक्ट किया। इस फिल्म में शशि कपूर का डबल रोल था। इस फिल्म के बाद उन्होंने मेला, समाधि, आन बान जैसी फिल्में भी बनाई। आपको बता दें, 1973 का दौर ऐसा दौर था जब अमिताभ कई फिल्मों में काम कर चुके थे। इसी बीच उनकी फिल्म आनंद और बॉम्बे टू गोवा भी रिलीज हुई थी, पर अमिताभ को इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उनकी लगातार 10 फिल्में फ्लॉप हुई थी। अब तक अमिताभ वापस इलाहाबाद जाने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन इस दौरान उनके ज़िंदगी में सक्सेस का स्वाद चखाने आए प्रकाश मेहरा। प्रकाश फिल्म जंजीर पर काम कर रहे थे और इस फिल्म के एंग्री यंग मैन लुक के लिए उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो उनके इस रोल में फिट बैठे। उन्होंने इस रोल के लिए धर्मेंद्र से भी बात की, पर धर्मेंद्र के पास इस फिल्म को करने का समय नहीं था। जब प्रकाश ने इस रोल के लिए देवानंद से बात की तो देवानंद ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ये रोल उन्हें चचेगा नहीं। दरअसल देवानंद रोमांटिक रोल के लिए खुद को परफेक्ट मानते थे। अब तक प्रकाश को लगने लगा था कि फिल्म ठंडे बस्ते में चली जाएगी। अब तक प्रकाश की फिल्म जंजीर के हीरो की तलाश पूरी नहीं हुई थी कि एक दिन इस फिल्म के राइटर सलीम जावेद ने प्रकाश को अमिताभ बच्चन का नाम सजेस्ट किया, जिसके बाद प्रकाश ने अमिताभ की फिल्म बॉम्बे टू गोवा देखी। प्रकाश को अमिताभ की एक्टिंग का अंदाज भाग गया। फिर क्या था, प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म के लिए अमिताभ को साइन कर लिया। 70 का दशक रोमांटिक और फैमिली ड्रामा बेस्ड फिल्मों का दौर था। इस दौर में लोगों को यही फिल्में भा रही थी और इस तरह की फिल्में सक्सेस की गारंटी भी मानी जा रही थी। इस दौर को बदला प्रकाश मेहरा ने, जब भारत में आम लोग करप्शन, लो इकोनॉमी, ग्रोथ और बेरोजगारी से जूझ रहा था, तब आई उनकी फिल्म जंजीर। इस फिल्म से लोगों ने खुद को जोड़ा पाया और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को रातों रात स्टार बना दिया और प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन के पसंदीदा डायरेक्टर बन गए। प्रकाश मेहरा ने अपने करियर में किस फिल्मों में डायरेक्शन किया था? उन्होंने कई हिट फिल्में बॉक्स ऑफिस के नाम की। जादूगर के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने 1991 में फिल्म जिंदगी एक जुआ बनाई। इस फिल्म में लीड रोल में अनिल कपूर थे, लेकिन ये फिल्म एवरेज साबित हुई, जिसके बाद उन्होंने राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार के साथ फिल्म बाल ब्रह्मचारी को डायरेक्ट किया। ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। ये प्रकाश मेहरा के करियर की आखिरी फिल्म थी। प्रकाश ने फिल्म खून पसीना, चमेली की शादी, दलाल जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। प्रकाश मेहरा कुछ लंबे समय तक बीमार रहे। वो निमोनिया से पीड़ित थे और उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके चलते 17 मई 2009 को उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।